गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है। मैं बनाने जा रही हूँ चाय। आज का व्लॉग ऐसा है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम फाइनली माइक्रोवेव ओवन लेने जा रहे हैं। तो कल हमने ले लेना था, लेकिन कल मैंने व्लॉग डाला, लोगों ने मुझे काफ़ी सारे सजेशंस दिए और फिर मैंने खुद भी चेक किया। मेरे को मन एलजी लेने का नहीं है, मेरा आईएफबी लेने का है। मुझे ना वॉशिंग मशीन भी आईएफबी का लेना था, बट वो बहुत कॉस्टली था। बट इस बार मैंने सोचा, ये भी बोल रहे हैं तो मैंने सोचा कि फिर आईएफबी का लेते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे चेक करना है कि पटना में सबसे अच्छा सर्विस किसका है। लाइक अगर सपोज कोई दिक्कत हो जाए तो सर्विस के लिए एलजी पहले आता है, आईएफबी पहले आता है, कौन सा आता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं लूँगी। मुझे लग रहा है कि अगर आईएफबी उन्होंने रखा हुआ है शॉप पे तो उसका जो सर्विस होगा वो अच्छा होगा। खाने में बनेगा वाइट चने, किनुआ, रागी की रोटी, बीन्स कट करके रखनी है। और मैंने जो सोचा है आईएफबी का मॉडल वो 20BC5 सोचा है, लेकिन उनके पास BC5 अवेलेबल नहीं है, उनके पास BC4 है। उसके बाद जो चीज़ें मैंने उनको बताई मुझे ये चीज़ें चाहिए, उसमें हो गया ये वाला पिंपल। जब ओवन लेते हैं ना तो माइक्रोवेव और ओवन में भी डिफरेंस है, तो ये मुझे समझ में नहीं आता क्या चीज़ है। तो मैंने बोला मैं विजिट करूँगी शॉप पे और भैया से अच्छे से समझूंगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और अगर आप कोई चीज़ लेते हो ना उसका अच्छे से पहले यूट्यूब वगैरह वीडियोज़ देखो, रिव्यू चेक करो, गूगल पे चेक करो, जहाँ पे आप लोग उनकी साइट पे जाके चेक करो, जिनसे पूछना है उनसे पूछो, फिर जाके मुझे लगता है कोई चीज़ आपको बाय करनी चाहिए। जैसे अब हमारी एलजी की फुली ऑटोमेटिक मशीन है, सो वो बहुत अच्छी मशीन है, हमने इतना उसको शिफ्ट करा है, बहुत अच्छी निकली। सोफ़ा बहुत अच्छा निकला होम सेंटर का। कुछ कुछ चीज़ें ना जो अच्छी निकलती हैं, 10-15 साल निकल गया या 5 साल निकल गई, 4 साल निकल गई, आर ओ जैसे हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। जैसे नो ऑयल कुकिंग, रोस्ट भी हो जाए और बेकिंग भी हो जाए, वो सब चाहिए, वो एलजी में मिल रहा है। तो मैं थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है मेरे को एलजी प्लस आईएफबी। अभी हम चलते हैं किचन में, काम करते हैं, फिर हम शॉप पे जाके डिसाइड करेंगे इन दोनों में से फिर मैं एक मॉडल सेलेक्ट कर लूँगी। बट आई रियली गो फॉर आईएफबी क्योंकि मेरे पास आईएफबी का कुछ भी नहीं है और मुझे आईएफबी ब्रांड पर्सनली बहुत पसंद है, बॉश और आईएफबी मुझे बहुत अच्छा। एलजी भी अच्छा है, एलजी का यूजली हमारे पास एलजी, बजाज, हैवेल्स का सामान है, मॉर्फेरीचर का। टाइम आई वांट टू गो एसी के टाइम पे भी मेरे को ना आईएफबी का एसी अच्छा लगता है, डैकिन का भी अच्छा लगता है, बट वो मेरे बजट की बहुत बाहर था। दो एसी लगवाए थे ना हमने, एक लगवाना तो सोचा डैकिन का लगवाती। तो ऐसी कुछ चीजें होती है ना पर्टिकुलर आपको अच्छी लगती है, जैसे बजाज हो गया, हैवेल्स हो गया, है ना, थोड़ी चीज़ें मतलब ये स्टूल है उसको मैं आगे कर, थोड़ी सी चीज़ें ना मतलब महंगी होती है बट वो बहुत अच्छी। उषा जैसे मेरी मम्मी ने बहुत ब्रांड लाइक कंपनी जो है उषा की मशीनें होती थी, प्रेस उषा की कुछ कंपनी है ना, मतलब कुछ कुछ जो ये जो ब्रांड होते हैं वो आपके वो आपको अच्छा लगता है। आई रियली वॉन्ट टू ट्राई दिस टाइम आईएफबी, बहुत अच्छा लगता है फिलिप्स की जो चीज़ें मुझे होती है। बट हर चीज़ हर ब्रांड में से मॉर्फेरीचर सपोज मेरा फेवरेट ब्रांड है, कोई भी एलजी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे एलजी का ही सब कुछ लेना है। कुछ कुछ कंपनियां कुछ कुछ चीज़ों में बहुत अच्छी होती है। चले किचन में, मैंने भिगो के रख दिया इसको ना, 1 घंटा भिगो के रखो, 2 घंटा तो अच्छा रहता है। थोड़े से उबला हुआ चना मैंने निकाल के रख दिया और ये वाली जो जगह है इसको मुझे आज खाली करना है। जो मॉडल सेलेक्ट किया है वो बात तो मेरी चल रही है, बार बार मैं कॉल कर रही हूँ भैया को तो वो आगे पता कर रहे हैं, वो मॉडल मुझे नहीं मिल रहा है। सो मैं बड़ी कन्फ्यूज हो गई हूँ, फिर भी मैं जगह खाली कर रही हूँ। मैंने बोला अगर नहीं मिला तो शायद मैं नहीं लूँगी, बट मेरे को लग रहा है कि मे भी मिल जाए। फटाफट से सीटी लगी, पानी गर्म करके मैंने निकाल लिया और ये वाली जगह को मैं कर रही हूँ जल्दी जल्दी से खाली। पहले मैं डिसाइड कर रही थी कि यहाँ पे रखूँ या वहाँ पे रखूँ, आप लोग बताना मेरे को। दोनों कर लिए मिक्स, दोनों ऐसे अच्छे थोड़ी रहेंगे। फेस और मॉइस्चराइज दोनों मिक्स कर दिया ना मैंने। मैं हो गई हूँ तैयार, चाय भी नहीं पी अभी, मैं चाय बना के रख के आई हूँ। मैंने कहा पहले रेडी हो जाती हूँ कि मैंने टैक्सी वाले भैया को कॉल कर दिया, वो आने वाले हैं, हम लोग टैक्सी करके जा रहे हैं। हमको जाना था वैसे यहीं पे है वीटा में, तो फिर भी हम टैक्सी कर रहे हैं क्योंकि आईआईटी से बीटा थोड़ी दूर है और वहाँ पे ना हाँ और ना उधर को गाड़ी लेके मैं कभी गई नहीं हूँ, मैं जाना भी नहीं चाहती गाड़ी लेके बाहर कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इनके साथ गए तब तो हम अच्छे से देख भी नहीं पाएंगे, तो ना आराम से चलते हैं। एक हमको वहाँ पे शोरूम है मोंटी कार्लो, वहाँ पे भी जाएंगे, स्मार्ट बाजार भी जाएंगे। स्मार्ट पॉइंट है, बाजार नहीं है, स्मार्ट बाजार ही बोलते हैं। हाँ, हमको राइस लेना है, गेहूं का आटा लेना है, गेहूं का आटा स्पेशली प्रीति के लिए लेते हैं। हम लोग ना रागी और बाजरे की रोटी खाते हैं, ये इसको लगती है कि रोटी सूखी हुई है, बहुत ऐसी है वैसी है, ये खाती नहीं। आज मैंने बनाई है तो अभी से खाई नहीं, नहीं खाई ना, खाई
खाई मैंने तो, बट पेट खराब हो गया मेरे नानी से बहुत ज्यादा हुआ था एक बार तो। तो अभी हुआ अभी हुआ आज ठीक रहे बस वही है। ये पता क्या करती खाने के तुरंत बाद चाय पी लेती शायद उस वजह से होता है आई डोंट नो बट मिलेट से कभी कभी हो जाता है पेट खराब। बुरी हाल हुई मैंने लगा था मेरे पेट को कैसे कर वो कर रहा है दूध नहीं छोड़ देता मैं नहीं ऐसे मेरे पेट में ऐसे तू ना ये ना जैसे खाना खाती है उसके तुरंत बाद चाय पीती है प्लीज ऐसे मत कर उससे भी गड़बड़ होती है बट जो मिलेट्स होते हैं उससे कभी कभी हो जाती है बट इतनी भी नहीं होती कि पर मेरे को लगता है कि शायद चाय रीजन हो सकता है बट चलो जो भी है हम लोग लेके आएंगे हम काटा से थोड़ा समय के बाद बेसन वगैरह मिक्स कर देती हूँ अदरवाइज मैं किसी जगह से फोर्स नहीं करती कि आप वही वाली चीजें खाओ जो हम खा रहे हैं ना तो इसके लिए मैं लेके आऊंगी पहले लिया था वो अभी खत्म हो गया तो वो भी मेन काम है और राइस लेके आ रहे हैं क्योंकि कई बार क्या होता है ना बहुत ठंडा होता है मन नहीं करता खाना बनाने का तो राइस बना लेते हैं वैसे ऐसा होता नहीं है कभी पर राइस ये थोड़े से होने चाहिए और अवन के बर्तन वगैरह क्या होते हैं वो आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताने और हम कौन सा लेंगे क्या लेंगे वो तो आपको वहीं पे शॉप पे जाके पता चलेगा। पता है 22 जनवरी को कितना अच्छा दिन आ रहा है। हाँ जन्मदिन है। हाँ पावर अवसर पे मेरा जन्मदिन आ रहा है इतना खुशी भी होती है ना। हाँ है ना मैं ना पक्का मम्मियों को सबको फैमिली को हम सब ना अयोध्या जाएंगे। हाँ अभी तो बहुत भीड़ होगी बट वो कहते हैं जब भगवान जी बुलाएंगे ना तभी हम जाएंगे तो भगवान जी सिया राम जी हमको जल्दी से जल्दी और ना हम लोग रिमाइंड लगा के देख रहे थे उन्हें हाँ। राम सिया राम सिया राम जय जय राम हम वो याद है देखो ज्ञान ताई जी के घर में जाके देखते होते थे हम रामायण ना मैंने भी अपने ब्लॉग में ये चीज बताई हमारे ना टीवी नहीं होता था जोर से आती थी तो भाभी अगर आप देख रहे हो रीनू भाभी दूसरे भाभी का नाम क्या है उनकी अपनी साल से ना थी नहीं 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 उनकी अनु भाभी और ताई जी तो उनको याद होगा हम लोग फटाफट काम खत्म करते थे संडे का दिन सर्दियों में 9 बजे मतलब कि भाग के जाना है और हमको 1 घंटा रामायण देखना सब लोग देखते थे वो भी एक दिन थे यार। हाँ और हम लोग ने भाग भाग के उनके घर में जाके देख के आना क्योंकि उनके घर में टीवी होता था हम लोग के घर में नहीं होता था एक पहले ना उनके घर में होता था अंकू नहीं है उनके घर में होता था पहले उनके घर हम गए मेरे को याद है ऐसे हम ऊपर से ना कुंडी खोल के गए हैं उनके घर में तो याद नहीं होगा हम लोग गए उनके घर में तब ज्ञान ताई जी वगैरह भी उनके घर में जाते होते थे तो हाँ देखते थे आप देखते थे हर किसी का बचपन देखने के लिए ना मम्मी सब खुशते रहते हमारी मम्मी भी हमारी मम्मी तब जाना है देखने पहले नहाओ तो हम संडे को नहाते रहते थे वॉश वगैरह करते थे हाँ बेड में रोटी खा रहा है दिखाओ अच्छा अच्छा लग रहा था ना वो कितना अच्छा किया मैंने यार ऐसे अच्छा लग रहा नहीं मेरे लगा के अच्छी लग रही है यार मुझे शीशे में दिखाई नहीं दे रहा मेरी आई साइड भी क्या हो गया मुझे इस मिरर में दिखता नहीं है मोटा सूट पहना फिर मैंने ये स्वेटर पहन लिया ऊपर से मैंने ये वाला स्वेटर ये वाला पहन लिया और बस मैं तैयार हो गई बिंदी लगा ली कैप मैंने लगानी नहीं है थोड़ा सा मैंने मेकअप सोचा था करूँ फिर मैंने नहीं करा और बाल भी मैंने ऐसे ही फटाफट से बाल लगाती हूँ पति हो रही है तैयार और टैक्सी वाले भैया आएंगे 1 बजे के और 1 बजने में अभी है काफी टाइम असल पर लगा रहे हैं झाड़ू मैंने ना इसको उठा के इधर को रख दिया है क्योंकि अवन के लिए जगह भी तो रखनी है तो बताइएगा यहाँ पे लगना चाहिए या कहाँ पे लगना चाहिए अभी हमारे घर में ना सफाई हुई है खाना वाना सब बन चुका है बट सफाई अभी करके ना सूख रहा है जब सूखेंगे तब मैं फिर बर्तन आके लगाऊंगी मेरे को होता है कि यार जाने से पहले थोड़ा काम खत्म करके जाएं और आके फिर हम लोग आराम से इस वाली जगह को हटा दूं मुझे लगता है अब टाइम आ गया है जब इसको हटाऊं मेरे को वैसे मन है मैं इधर को रखूं अवन पर यहाँ पे स्विच नहीं है स्विच फिर ये है और ये वाला स्विच हम लोग यूज करते हैं इंडक्शन के लिए आप लोग बताना वैसे यहाँ पे बेटर मुझे लगता है रहेगा फिर हम ये कैटल जो है इसको कहीं और रख देंगे कि मुझे बोल रहे मेरे को चाय डाल के ला रही मैं तो चाय पी चुकी तो मैं और आप पी लें आप पी लोगे ना चाय चीनी डालनी पड़ेगी क्योंकि चीनी पीते हैं तेज हेयर वॉश करा था ना तो आज बड़ा अच्छा लगता है सर्दियों में ना जब बाल धोते हैं उसके बाद बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि उन्हें पता नहीं कितना बड़ा काम कर लिया सिर धोना ही बड़ी बात है तो इसलिए आज हमारा वो भी आ जाएगा हेयर ड्रायर तो उससे आसान रहेगा हेयर वॉश वगैरह करना ठीक है यार कुछ चीज़ें घर पर होनी चाहिए और ना सर लोग मुझे एक ही चीज़ बोल रहे हैं अब तेरे घर में ना माइक्रोवेव ओवन आएगा ना तो देखना तेरी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी ऐसा सोचा वैसा मुझे चलेगा ट्राई करके देखते हैं कैसा होता है बट कभी लगा ही नहीं कि मुझे नीड है ओवन लेने की लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी नीड है
जैसे पॉपकॉर्न बना लिया या जो सब्जियां है उसको थोड़ा उबाल लिया, उसको क्या बोलते हैं बेक कर लिया। मुझे नहीं पता उबालना और बेकिंग में क्या फ़र्क होता है, जब पता चलेगा तब बताऊंगी, बिकॉज आई एम वेरी न्यू इन सब चीज़ों के लिए कि कैसे उसमें बेक होंगी, कैसे बनेंगी, कैसे फ्राई होंगी, कैसे ग्रिल होगी, कैसे उसमें प्लेट लगी होती है, कोई कहते हैं रोड भी होती है, बहुत सारी चीज़ें सब लोग बता रहे हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उनके पास है, वो बाहर रहते हैं, उनके पास दो चीज़ें हैं, तो मैंने उनसे रात को बात करी, तो मुझे बोला बेकिंग मीन्स जैसे आप उबालोगे तो सब्जियों में पानी रहता है, तो अगर आप उसको बेक कर दोगे तो पानी नहीं रहता, ड्राई ड्राई हो जाती है, एकदम से अच्छे से खाने के लायक हो जाती है। तो बोल रही हाँ तुम ले सकते हो, आपके लिए आसान रहेगा, पिज्ज़ा बन जाएगा। तो पिज्ज़ा तो हम नहीं खाते, बट हाँ डेफिनेटली कभी हमारे जैसे कोई आया है या किसी को खाना है, कभी कभी खा भी सकते हैं, इतना भी मुझे रिजिड नहीं हो रहा है, तो उसको खुल के हंस के अच्छे से जीना चाहिए, सब कुछ खाना चाहिए लिमिट में, लाइक महीने में या दो महीने में एक आधी बार पिज्ज़ा खा लिया, इतना डॉट एवरी वीकेंड पे। आप लोगों को मुझे नीचे रेसिपीज दिखानी है, इंस्टाग्राम जैसे काफ़ी लोगों ने भेजा मुझे कि प्रियंका हम ये बना रहे हैं, हम ये कुक कर रहे हैं, हम वो कुक कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं, तो तुम ये बना सकते हो, वो बना सकते हो, बट अभी ले रही हो ना फाइनली, तो अभी आप बताना कि क्या क्या कर सकती है। हम लोग ना बस यार मैं दो तीन लोगों से और बात की, LG और IFB में इतना कम, काश ये व्लॉग जाता और आप लोग मुझे बता पाते, बट ये व्लॉग तो लेके आने वाला है, सो कोई तुक नहीं बनता है अभी पूछने का। आप लोग चने की सब्जी बहुत टेस्टी बनी है, चावल लेके आएंगे तो आके बनाएंगे, और ये मेरा किनुआ मैंने भिगो के रख दिया है, जब तक आएंगे तब तक अच्छे से भीग जाएगी रागी की मूली की रोटी। दो रोटी खाई है, बट मैं इसके लिए यार गेहूँ का लेके आऊँगी, तो वो गेहूँ की खाएगी, उसको अच्छी लग रही है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं कहीं उसके ऊपर थोप तो नहीं रही कि नहीं खाओ यही वाली चीज़, कभी मैं उसको बोल देती हूँ, और मुझे लगता है यार जो बंदा जो खाना चाहता है वही खाए, है ना, ऐसे कुछ नहीं है कि उसका अगर मन नहीं है तो नहीं खाएगी, वो खाती है वो, बट उसको गेहूँ ज़्यादा पसंद है मेरे हिसाब से। कुछ मैंने जो वाइट चने हैं वो रख दिए हैं फ्रिज में, जल्दी से उबल जाओ, उसके बाद मैं ये वाला काम कराऊंगी, इसको ठीक कराऊंगी, फिर हम गैस रख देंगे, एक इंडक्शन रखेंगे, और काउंटर टॉप को पूरा खाली खाली रखना है, इतना भरा भरा नहीं रखना है। चाय डाले हम लोग अच्छे से, ठंडा बहुत ठंड है यार, बुरा हाल है यार ठंड से, ये तो शिमला को भी क्रॉस करके गाड़ी लेके भी जा सकते थे, बट मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे होता है कि टैक्सी से जाएंगे सब मजे से, और अपनी गाड़ी क्यों लेके जानी, इनके साथ तो मैं जाती हूँ, हम लोग पट्टा तक जाते हैं बेटा दानापुर, हवा ना ऐसे ऊपर को, इसको लगाने के बाद भी ना इतनी ठंड लग रही है, मैंने गले में पूरा ये रैप कर लिया, अपना ध्यान रखो यार, बहुत ज़्यादा जरूरी काम है, तभी बाहर निकलो, नहीं तो अंदर रजाई में रहो, अंदर ही बस थोड़ा एक्टिव रहो। मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा, ये फोटो में ना और देखने में थोड़ा सा लगता है, ये कौन सा है, जैसे ये आपको हो गया ऑटो किक मेनू जी, और ये हो गया मैनुअल, ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग टाइम सेटिंग करते हैं कोई चीज, इसमें होगा, अच्छा इसमें अंतर कितना है प्राइस में, अच्छा थोड़ा सा, मतलब इसमें ग्रिल भी कर सकते हैं हम लोग, और इसमें जैसे रो वाला हाँ जी वाला, हाँ जी वो नहीं है, इसमें है, अच्छा तो इसका और इसमें क्या अंतर, अच्छा कलर और इसका मुझे हैंडल नहीं अच्छा लग रहा, ये वाला हैंडल सिलेक्ट करना पड़ेगा, शॉप पे आके ना कंफ्यूजन हो रहा था, जो सोचा था LG IFB ये वाला मॉडल नंबर ये वाला सब पानी फिर गया, मुझे जो वो तो बेसिक मॉडल है ना, लेकिन इसमें प्लेट भी है, रोटेशन के लिए भी है, इसको टर्न टेबल बोलते हैं, इसको हम डाल देंगे, ठीक है, उसके ऊपर में इसको बोलते हैं क्रिस्टी प्लेट, हाँ। हम इसको रख लेंगे, ठीक है, रख लिए हमने, हाँ। इसको बैठ जाएगा इसमें पूरा, देखिए बैठ गया है, ठीक है, अब ऐसे राउंड होगा, ये राउंड अप ऐसे घूमता है, ये इसको बोलते, अब आपको इसमें जैसा कि डिसाइड करना है कि क्या गरम करना है, आप लिट्टी बना रहे हैं तो इसके ऊपर रख के
इसके ऊपर लिट्टी का वो अपना मिक्सचर गोल गोल करके इसके ऊपर रख लेंगे। यहाँ से पहले माइक्रोमूड सेट करेंगे, 2 मिनट माइक्रोमूड में पका लेंगे, उसके बाद ग्रिल सेलेक्ट करके 2 मिनट ग्रिल में सेक लेंगे, लिट्टी आपका रेडी हो गया एकदम मुलायम, सब लिट्टी बनता है इसमें बिना तेल का। कुछ मत कीजिए मैम, पापड़ रैपर से निकालिए, इसमें रख दीजिए, माइक्रोमूड सेलेक्ट करके डायरेक्ट इस क्रिस्टी प्लेट के ऊपर रखिए और माइक्रोमूड सेलेक्ट करके 1 मिनट का समय दीजिए, आपका पापड़ तैयार है बिना तेल का। ये नो ऑयल भी है ना जी? नो ऑयल कुकिंग भी है ना? नो ऑयल कुकिंग भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है। आप बिना तेल का समोसा इसमें खाइए मैम, एकदम हेल्दी रहिए। अरे वाह, सेंटलेस ऑयल रेसिपी बना सकती है। ठीक है। मुझे ना ये थोड़ा वो लग रहा है, ढीला सा लग रहा है। अच्छा, तो फिर वो नीचे को नहीं उसका वो गिरेगा ना? आप जैसे पनीर का आप कबाब खाना चाहते हैं, पहले इसमें हुक कर दीजिए, इसमें लगा के बंद करके ग्रिल चला दीजिए, हो गया आपका। ठीक है। मैं लेके आई हूँ पॉपकॉर्न, जस्ट हम अभी अभी घर पहुंचे हैं और हमारा जो ओवन है ओवन में नहीं बनेगा ये लेके आया, तो मैंने थोड़ा सा पनीर डाल दिया इसमें और मैंने रख दिए आते ही चावल बनने के लिए, क्योंकि हम चावल का पैकेट लेके आए हैं। पापड़ लीजित वाला और 2 किलो गेहूं का आटा, ये गुड लाइफ का है ना, आजकल गुड लाइफ भी बहुत वो चल रहा है। अच्छा, स्मार्ट बाजार में गुड लाइफ का ही ज्यादातर चीजें आती है, दालें वगैरह जो भी कुछ हो। 2 किलो इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि अगर हमारी टिकट हो गई तो हम निकल जाएंगे घर, तो फिर मेरे को गेहूं का आटा उतना ही लेना था। और किनुआ हमारा अच्छे से भीग गया है, बस इंतजार कर रहे हो कि जल्दी जल्दी हमारा ओवन आए। आ गया हमारा सामान, मैं ना बाहर ही खड़ी हूँ सामान को इंतजार करने में। फाइनली किचन में एक नया मेंबर ऐड हो चुका। आ गया हमारा ओवन और मैंने इसको रख दिया यहाँ पे, इसकी जगह मैंने खाली ऑलरेडी कर दी, हमारा बन गया है। आई एम सो सबसे पहले हम भगवान जी का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद हम अपने ओवन की शुरुआत करेंगे। ऐसे तो उन्होंने बोला है कि भैया आ रहे हो, फिर को रहा नहीं जा रहा कि मैं थोड़ा निकालूं सामान को। मैंने सोचा जो था वो मॉडल नहीं लिया, मैंने और ही कोई मॉडल लिया, वहाँ भैया ने मुझे 2-3 चीजें बताई और मैंने 1-2 लोगों से और पूछा, फिर मैंने ले लिया क्योंकि मुझे ग्रिलिंग का भी ऑप्शन साथ में चाहिए था। जैसे ये ग्रिल करने के लिए पूरा मेन्यू है यहाँ पे, सब चीजें ना इसमें बन सकती है, वो मैं आपको आराम से बताऊंगी। मतलब अभी तो हमारे पास ही रहेगा हमारा प्यारा ओवन, अभी हम फिलहाल इसकी ओपनिंग करते हैं। कैसे है ये, क्या है ये, क्या है यार, ये तो मुझे नहीं, भैया ने वैसे बताया था कि कैसे लगाना है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ खुद से लगा के देखूं। डर लग रहा है कुछ टूट ना जाए, तो समझ में नहीं आ रही, पहले ये रखना था फिर ये रखना है। मैं सोच रही कि जो आएंगे ना डेमो देने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, उनका वेट करती हूँ। और साथ में इसके मिला है हमको ये बोरोसिल का स्टार्टर किट फॉर माइक्रोवेव ओवन। अभी मुझे ये नहीं पता कि मेरे बर्तन कौन कौन से ओवन के लिए मतलब वो है मेरे पास ना, अगर आपको पता होगा तो बताना। मुझे आया है आयुषी का मैसेज IIT कानपुर में, जो मेरी फ्रेंड है, कंपनी वाले भैया भी आ गए तुरंत। 20 मिनट हुआ है अभी पहुंचे को इसको। हाँ। हमने ठीक लगाया भैया। मुझे लगा उनको लगा लाइट का नहीं। अच्छा, किसी और ने भी लिया है नीचे सेम आयुर्वेद? अच्छा, तो उनका फिटिंग लेके आयो? हाँ, हमें साथ है। अच्छा, ये सेम ऐसा मॉडल है? नहीं, इससे इधर हाई मॉडल का है। ओके। मॉडल होता है ना, जब प्रोडक्शन चलता है उसमें वो आ जाता है, इसमें वो नहीं आता है। मैंने कभी जिंदगी में नहीं दिया। अरे मैं तो घर पे चलाया, इतना तो चलाया नहीं, मैंने कभी नहीं चलाया। हां, ये देखो, ये वो प्लेट देख लो, सही से लगी है ना बीच में? हां, देख लेना, ये अभी जो एकदम नॉइज जीरो है, अभी जो चलाए थे ना तो घन पूरा आवाज करता है मायना गान को, अभी एकदम जीरो है, इसलिए तो बेस्ट। 30BRC3 का मॉडल है जी,
एंड ये हो गया कन्वेक्शन, 10 से लेके 200 डिग्री टेम्परेचर हम सेट कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है। अब आते हैं ऊपर में मैनुअल में, मैनुअल में ऑलरेडी टाइमिंग सेट होता है, नीचे में इसमें टाइम देना पड़ता है, तो मैनुअल है इसमें टाइम ऑलरेडी सेट। तो उसके लिए आपको वो उबल के गिरेगा नहीं, नहीं डालना थोड़ा भर के, नहीं आप बना सकते कब क्या कॉफी समझ लीजिए, समझ लीजिए तो मैं समझूंगी, तभी समझ नहीं आएगा। प्रोग्रामिंग मोड से कुछ हम बात बताएंगे, ठीक है। तो इसको एक से लेके तीन कप तक बना सकते हैं, उसके बाद रिटर्न है ना, उसके बाद मतलब एक कप है ही, दो कप है, हाँ, तीन कप हार्डली आपका तीन कप जाता है, ठीक है। उसके बाद ये स्टार्ट का बटन है, ये स्टॉप एंड रिसेट का बटन है, ठीक है। जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिक अपना ले लेगा, हवा ऐसे निकला करेगी इसमें, वो पीछे से निकल, और ये निकालना होता है स्टिकर, ये निकाल दीजिए, निकाल दीजिए, क्या हुआ, नहीं रहने दो इसको, ये कितना सुंदर लग रहा था, ये तो दिखेगा नहीं ना दीदी, वो एक कप चाय बना सकते हैं, तुम्हारे उसमें है एक कप चाय बनाने का, ना हमारे उसमें कप पिज्जा। मैं आई हूँ माइक्रोवेव के बर्तन देखने के लिए, कुछ मुझे मिल जाए, मुझे वैसे उतना आइडिया नहीं है भी कौन से होते हैं, तो मैं पहले चेक कर रही हूँ, नहीं समझ में आया तो भैया से पूछ के, उस साइड में दिखा दीजिए, ये माइक्रोवेव के लिखा है इसके ऊपर, लिखा है ये भी है, लिखा है इसके ऊपर सलो का, रात का टाइम है, हाँ हम लोग ओवन लेके आए, उसके मार्केट चले गए, फिर हमारे घर में कोई आ गया, फिर डेमो देने के लिए भैया आ गए, और मैं उसके बाद व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, हमने बस पापड़ बनाया ओवन में और एक रोटी गरम की रागी की, बस उसके बाद मैं बर्तन लेके आई अभी, और इस ब्लॉग को मैंने सोचा एंड करती हूँ। हीटर चलाया है, प्रीति बना रही है चाय, और दूसरे रूम में दूसरे वाला हीटर चलाया, दूसरे रूम में ना दो घंटा अगर वो हीटर चलाओ ना आराम से वो रूम गर्म हो जाता है, दो घंटा भी मतलब कि आधे घंटे पौने घंटे में रूम गर्म हो जाता है, फिर बंद कर दो, थोड़ा सा हीटर चलाना पड़ता है, इतना नहीं कि बिल्कुल नहीं चलाना है ना, तब तो हाथ ठिठुरते हैं। एनी वेज दैट्स इट फॉर टुडे, मैं आज बहुत खुश हूँ कि हमारे घर में माइक्रोवेव ओवन आ गया है। सो जी कैसा लगा आपको ओवन हमारा, बताना ज़रूर कमेंट करके, और मैं करूँ थोड़ी सी रेस्ट।